भैया 10 रुपए का आटा दे दो और 10 रुपए के चावल दे दो। अरे भाई इतना ज्यादा सामान मेहमानों के नहीं पतीला बनवा रही है क्या घर पे? साले गरीब तुझे शर्म नहीं आती 10-10 रुपए का सामान लेते हुए? चल जा यहाँ से, कोई सामान नहीं है। क्या साहब, अगर नहीं देने तो मना कर दो, क्यों किसी गरीब का मजाक उड़ा रहे हो? भैया बहुत तेज की भूख लग रही है, एक बिस्किट दे दो खाने को। अरे क्या है, तुम गरीबों का एक भिखारी गया नहीं दूसरा फिर आ गया। अबे रुक, तेरी तो। नहीं देने तो मना कर दो, क्यों किसी गरीब बच्चे के साथ ऐसा सुलूक करते हो? ये लो बेटा, रो मत तुम। लो बेटा पैसे रख लो तुम और कुछ खा लेना। शुक्रिया भैया, गरीब ही दूसरे गरीब को समझ सकता है। बेटा बात सुनी जरा। जी चाचा बोलिए। बेटा तेरे पास तो और पैसे थे नहीं, जो पैसे थे वो तूने बच्चों को दे दिए, अब तू खाना कहाँ से खाएगा? चाचा दिल बड़ा होना चाहिए, और मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा भरोसा है। वो अपने बंदों को भूखा उठाता जरूर है, लेकिन कभी भूखा सुला नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने बंदों से वादा किया है। देखा, जा उसको 1 किलो चावल और 1 किलो आटा दे दो। ठीक है मालिक। बेटा ये मेरे तरफ से, तुम रख लो। शुक्रिया चाचा, आज आपने साबित कर दिया इंसान पैसों से नहीं दिल से अमीर होना चाहिए।